मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज पर। देखते आज की कुछ खास खबरें। इस दिवाली सावधान, सोने को गलाकर मिलाया जा रहा है विदेशी पाउडर, मुश्किल है असली नकली गहने की पहचान। त्योहारी सीजन में सोने की बढ़ती मांग को देखते हुए गड़बड़ घोटाले की शिकायत सामने आ रही है। लोग सोने के गहनों पर भारी डिस्काउंट के लालच में जमकर खरीदी कर रहे हैं, लेकिन यह महंगा पड़ सकता है। बाजार में अनोखी मिलावट वाले गहने बिक रहे हैं। खबर के मुताबिक राजधानी दिल्ली में ही कुछ ज्वेलर सोने को गलाकर उसमें एक खास तरह का विदेशी पाउडर मिलाते हैं। सीमेंट जैसी इस विदेशी पाउडर की मिलावट का पता तब तक नहीं चलता जब तक सोने को पूरी तरह से गलाया ना जाए। इस त्योहारी सीजन अगर आप सोने की ठगी से बचना चाहते हैं तो हॉलमार्क वाली ज्वेलरी ही खरीदें। भारी डिस्काउंट पर भरोसा करने से पहले सोने की शुद्धता सुनिश्चित कर ले। त्योहार सिर पर और FDA उदासीन, चार गुना बढ़ जाती है डिमांड। 24% सैंपल पाए गए अमानक। रोशनी और खुशियों का पर्व दिवाली पर बाजार में रौनक के बीच मिलावट का कारोबार भी पूरी तरह फलता फूलता है। खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने के कारण विक्रेता भीड़ का फायदा उठाते हुए ग्राहकों को मिलावटी खराब क्वालिटी के खाद्य पदार्थ थमाने से भी बाज नहीं आते। ऐसे में FDA यानी अन्न एवं औषधि प्रशासन विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। डिजाइनर दियो ने बढ़ाया आकर्षण, चमक उठेंगे घर और आंगन। दिवाली के पर्व को मात्र 12 दिन शेष रहने के चलते लोगों की खरीदारी शुरू हो गई है। वहीं घर आंगन को जगमगाने वाले मिट्टी के डिजाइनर दिए और कैंडल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ज्यादातर लोग पूरी तरह से पारंपरिक तरीके से ही त्योहार मनाने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।